आज के सेशन में मुझे आपको ये बताना है कि जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी, फोबिया है, या कोई भी मानसिक समस्या है, इंसोमनिया है, तो उसको ठीक करने का एक और बहुत ही अच्छा तरीका है कि आपकी ज़िंदगी में आपको मिशन बनाना है। आपकी ज़िंदगी का कोई मिशन होना चाहिए। मानसिक समस्या से जल्दी से ठीक होने का या मानसिक समस्या पूरी से बच के रहने का तरीका है, ज़िंदगी में एक अच्छा मिशन होना चाहिए। मैं तो बोला ज़िंदगी ही एक मिशन होनी चाहिए। मैं जो आज आपको खास बात बताने वाला हूँ कि अगर आपको खुशी से रहना है, प्रसन्नता से रहना है, कॉन्फिडेंस से रहना है, ज़िंदगी में आपको जोश और जुनून बरकरार रखना है, तो कंपलसरी आपकी ज़िंदगी में कोई मिशन होना चाहिए। क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी में कोई मिशन होता है तो 100% आपको डिप्रेशन आ ही नहीं सकता। आपकी ज़िंदगी में जब कोई मिशन होता है तो आपको कोई चीज़ का फोबिया हो ही नहीं सकता। आपकी ज़िंदगी में मिशन है तो आप कभी फ्रस्ट्रेटेड हो ही नहीं सकते। एक्चुअली क्या है कि जब मिशन होता है आपकी ज़िंदगी में तो समस्याएं बहुत होती हैं। जब कोई आप मिशन लेते हैं तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम बहुत आती है। मिशन के बाद ज़िंदगी बहुत ही चैलेंजिंग होती है। ऐसा नहीं कि मिशन के बाद सब आसान हो गया, सब लोग सपोर्ट करने के लिए दुनिया छुड़ गई और ज़िंदगी आसान बना दी, ऐसा नहीं होगा। मिशन, अगर कोई भी आप ज़िंदगी का मिशन तय करते हैं तो ज़िंदगी पहले से टफ ही होने वाली है, ये पक्का है। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने ज़िंदगी में मिशन बनाया है, जिन लोगों ने ज़िंदगी मिशन के साथ जिया, इन लोगों की ज़िंदगी में ऐसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। ये जो व्यक्ति मिशन के साथ ज़िंदगी जीता है उसके दिमाग में हमेशा मिशन की सोच रहती है कि मुझे ये काम करना है, मेरा लक्ष्य है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये करना है, ये करना है, इसके लिए ये करना है, वो करना है। इसका दिमाग हमेशा मिशन के ऊपर फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी का मिशन था देश को आज़ाद करना, तो 24 घंटे दिमाग के अंदर यही चलता था कि मुझे देश को आज़ाद करना है, वो कैसे करेंगे। दिमाग में हमेशा यही चलता है कि मुझे आज करना क्या होगा, मुझे कल क्या करना होगा, मुझे भविष्य में क्या करना होगा। यानी कि जिस व्यक्ति का कोई मिशन होता है ना, दिमाग हमेशा मिशन पे रहता है। और दिमाग मिशन पे रहेगा तो पक्का है कि वो कभी नेगेटिव थिंकिंग कर ही नहीं सकता। जितने भी प्रॉब्लम हो रहा है आज, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, ये सब इसलिए हो रहे हैं कि आप इसके बारे में सोचते हैं। आपके साथ जो कुछ गलत हुआ है या आपके साथ हो सकता है, इसके बारे में आप सोचते हैं, इसलिए आप परेशान होते हैं, इसलिए आपको डिप्रेशन होता है, या आपको कोई मानसिक बीमारी लगती है, या आपको अनिद्रा आती है, या आपको इंसोम्निया होता है, वो इसलिए होता है। लेकिन आप कोई मानसिक समस्या के बारे में, कोई भी मानसिक समस्या से बचने चाहते हैं, तो यही एक तरीका है कि आपको कोई नेगेटिव थिंकिंग पे फोकस करना ही नहीं है। आपके साथ जो भी प्रॉब्लम हुई है या होने वाली है, उस पर फोकस जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई मिशन नहीं है। मिशन नहीं है तो हम क्या फोकस करेंगे हमारी प्रॉब्लम का? हमारे साथ ये भी हो गया, हमारे साथ ये भी हो गया, सब गलत हो रहा है, सब लफड़ा हो रहा है। आपका सबका फोकस इसी चीज़ पर होगा अगर आपकी ज़िंदगी में मिशन नहीं है तो। अब ये बात आएगी कि चलो मिशन तो होना चाहिए, लेकिन मिडिल क्लास व्यक्ति क्या मिशन रखेगा? ज़िंदगी तो मुश्किल से जी पा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी, खुद की ज़िंदगी मुश्किल से जी पा रहे हैं, अब मिशन क्या ले हम? अब तो मिशन ही यही है कि हमारी ज़िंदगी ही चला रहे तो ही एक अच्छा मिशन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। लोगों ने क्या समझा मिडिल क्लास कि हमारी ज़िंदगी सबसे बड़ी चैलेंज है, हमारी ज़िंदगी जीना ही एक मिशन हो गया। अभी मिशन का मतलब ये नहीं है कि आप आपके लिए सब कुछ करो। मिशन का मतलब स्पष्ट होता है कि आपको दुनिया के लिए कुछ अच्छा करना है। मिशन का मतलब ये होता है कि आपको किसी और के लिए, जनता के लिए, पब्लिक के लिए कुछ अच्छा करना है। पब्लिक की ज़िंदगी, लोगों की ज़िंदगी थोड़ी और अच्छी हो, मज़ेदार हो, ज़िंदगी थोड़ी और ईजी हो, इसके लिए आप कुछ कोशिश करते हैं, ये आपका मिशन होना चाहिए। अब आप अभी दिमाग में सोच रहे होंगे कि ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ये जो बातें हो रही है ना, ये सब अलग नेताओं के लिए है, हम ऐसा मिशन कोई हमारे काम की बात है ही नहीं। हाँ ठीक है, बैठे तो सुन रहे हैं, अभी ये सब बातें यहाँ से निकाल के चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपको भी आपकी ज़िंदगी में कोई मिशन लेना है तो आप ले सकते हैं। जब मैंने मिशन के बारे में बात कही तो लोगों ने एक सामने से सवाल खड़ा किया कि सर मिशन के लिए तो पैसा चाहिए ना, मिशन के लिए लोग चाहिए। गलत कैसे? मिशन के लिए कुछ तो जेब में कुछ होगा तो आप मिशन के लिए कुछ करेंगे ना। तो एक बात आप समझ रहे कि मिशन के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, ज़्यादा पैसा, लाखों करोड़ रुपये होने चाहिए, ऐसे 1,000, 2,000, 50,000 लोग होने चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको पता है गांधी जी के पास कोई ज़्यादा पैसा नहीं था, वो लखपति या करोड़पति नहीं थे,
ना इसके पास शुरुआत में इतने लोग थे, फिर भी इसने मिशन लिया और मिशन को पार भी किया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मिशन के लिए आपके पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए, ज़्यादा लोग होने चाहिए। मिशन के लिए सिर्फ एक सोच होनी चाहिए, मिशन के लिए एक जज्बा होना चाहिए, मिशन के लिए एक जुनून होना चाहिए, मिशन के लिए कुछ अच्छा करने की एक सोच होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए, बस इतना ही होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हैं, आप मिशन की आपकी एक सोच है कि मुझे किसी का कुछ अच्छा करना है, मुझे दुनिया में कुछ अच्छा करके जाना है, मुझे अपनी यादों को छोड़ के जाना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि दुनिया मुझे याद रखे, अगर आपका मिशन सही है तो लोग भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। जब गांधी जी ने पहली बार ये तय किया कि मुझे इस देश को आज़ाद करना है, तो इसके पास कोई भी लोग नहीं था। गांधी जी ने मिशन लिया तो लिया, करना है सो करना है, कोई साथ में है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, जेब में पैसा है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, मिशन है तो है, करना है तो करना है, और इसने कर दिखाया। तो मिशन इस तरह से होते हैं। चलो अभी बताया कि इस तरह का बड़ा मिशन नहीं चाहिए, लेकिन आप आपकी ज़िंदगी से बाहर आकर, आप आपकी उलझनों से बाहर आकर कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, उसको भी आप मिशन बना सकते हैं। तो इसके लिए कोई ये सोच नहीं होनी चाहिए, इसके लिए ये सोचना नहीं है कि मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी उम्र 50 हो चुकी है, मेरी उम्र 60 हो चुकी है, 70 हो चुकी है, अब क्या कर सकते हैं। आप चाहे कोई भी व्यक्ति हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप 50 के हैं, आप 70 के हैं, आप भी कोई मिशन ले सकते हैं, कुछ अच्छा काम आप कोई भी स्थिति में कर ही सकते हैं, इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। बस एक सोच होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है। और रियल में अगर आप ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी में अगर कोई मिशन होता है या आप ज़िंदगी को मिशन बनाते हैं, देखो ज़िंदगी कितनी मज़ेदार होगी, ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा। हाँ, इसमें चैलेंज बहुत होगी, प्रॉब्लम बहुत आएगी, फिर भी ये ज़िंदगी जीने का मज़ा होगा जब आपकी ज़िंदगी में कोई मिशन होगा। आराम से बैठकर सोचना कि मेरी ज़िंदगी में जो मैं कुछ मेरे लिए कर रहा हूँ, मेरे सेल्फ के लिए मैं कर रहा हूँ, इससे आगे, इसके सिवा मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे लिए तो करना ही है, मेरी फैमिली के लिए करना ही है, इसके सिवा मैं क्या कर सकता हूँ, दुनिया के लिए, देश के लिए, जनता के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कितना कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, कितना मैं टाइम दे सकता हूँ। पैसे की बात नहीं है, पैसा नहीं है तो छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो पैसे का प्रॉब्लम, आप क्या टाइम दे सकते हैं। लोग बोले टाइम तो हमारे लिए ही नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है तो औरों के लिए टाइम कहाँ से लाएंगे। हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल जब आप मिशन की सोच बनाएंगे। आज आपके पास पैसा नहीं है, आ जाएगा, आपके पास समय नहीं आपको मिलेगा, आपके पास लोग नहीं आपको मिलेंगे, जब ये सोच बनेगी कि मुझे कुछ करना है। जब आप किसी और के लिए कुछ करेंगे, आपको हर चीज़ उपलब्ध हो जाएगी, समय लगेगा लेकिन हो जाएगी। तो आज के बाद सोचिए कि मैं मेरी ज़िंदगी से बाहर आकर, मेरे काम से बाहर आकर, मैं औरों के लिए क्या कर सकता हूँ। कुछ भी तो करने की कोशिश करेंगे, अभी आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, ना ये 2 साल में आप ख़त्म होने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी अभी बहुत लंबी है। तो आपको ये सोचना है कि अब मेरी जो भी ज़िंदगी बाकी है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और रियल में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कुछ करके देखो, आपको कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुकून मिल रहा है, कितने आप रिलैक्स रहते हैं, कितने आप शांत रहते हैं, आपको उसी टाइम पता चलेगा जब खुद की ज़िंदगी से बाहर आकर आप कुछ काम कर रहे हैं। तो सबको अभी सोचना है कि मैं क्या मिशन बना सकता हूँ। अगर आपका किसी का कोई मिशन है तो अभी मुझे शेयर कर सकते हैं। और जो लोग YouTube में ये वीडियो देखने वाले हैं तो उसको भी मैं बोलूँगा कि अगर आपने कोई मिशन लिया है तो मुझे बताना चाहिए। YouTube वाले के लिए एक ऑप्शन है कि आप मुझे कमेंट में आपका मिशन बता सकते हैं कि आपने क्या मिशन लिया है। अगर नहीं लिया तो आप ले सकते हैं, तो मुझे बताइए कि आप क्या मिशन ले सकते हैं, तो इसे पता चलेगा कि आपकी मिशन के बारे में क्या सोच है, खुद की ज़िंदगी से बाहर निकल कर आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ एक्शन लेंगे तो रिज़ल्ट तो ज़रूर आएगा। तो मेरा भी एक मिशन है, एक छोटा सा मिशन है कि हमारे देश में जितने भी मेंटल इलनेस के प्रॉब्लम हो रहे हैं, मानसिक बीमारियां हो रही हैं, इसका एक सही इलाज हो, या एक ऐसी स्थिति पैदा करें कि किसी को मानसिक बीमारी होनी ही नहीं चाहिए। अगर किसी को हो रही है तो उसको सही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए बिना दवाई का, जो हम दे रहे हैं इस तरह का, हर व्यक्ति को हर शहर में ये प्रैक्टिस, ये ट्रीटमेंट मिलना चाहिए कि व्यक्ति बिना दवाई से ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले और पूरी ज़िंदगी एकदम पॉजिटिव, उत्साह से, खुशी से, जोश और जुनून के साथ व्यक्ति जीना चाहिए। ज़िंदगी में प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, ज़िंदगी में चैलेंज हमेशा रहेगी,
इसके बावजूद भी व्यक्ति पॉजिटिव रहे, इसके बाद भी व्यक्ति खुश रहे, उत्साहित रहे, ये मेरा मिशन है। तो मेरा एक छोटा सा मिशन ये है कि व्यक्ति को प्रॉब्लम के बावजूद भी हमेशा एकदम हाईली पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट और उत्साहित रखना है। और आने वाले समय में मैं यही चाहता हूँ कि मुझे जहाँ जाना है, मुझे जहाँ जाना पड़े, मुझे जो कुछ भी करना पड़े, जितना भी टाइम देना पड़े, विदाउट मनी, एक भी पैसा नहीं लेना है। और जिस शहर में जिस जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी एनजीओ है, अगर वो चाहती है कि हमें सर्विस की ज़रूरत है, हम बिना पैसे, बिना कोई एक्सपेंस लिए, बिना कोई किराया लिए भी उसके साथ हम कंट्रीब्यूशन करेंगे, उसके शहर में जाएंगे, उसके एनजीओ के साथ जुड़ेंगे और जो भी हम कर सकते हैं उतना अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हमारा एक मिशन यही है कि लोगों को एक मैसेज देना है, लोगों को पॉजिटिव रहने का एक तरीका सिखाना है कि अगर आप ऐसा ऐसा करते हैं तो आप पूरी ज़िंदगी पॉजिटिव रह सकते हैं। बस लोगों को ये तरीका बताना है, लोगों को थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, लोगों को पुश की ज़रूरत है। व्यक्ति के अंदर हमेशा जोश और जुनून पैदा करना है, उसको बरकरार रखना है, उसको सपोर्ट चाहिए, पुश चाहिए, जो भी चाहिए उसको देते रहना है, हमेशा देते रहना है। इस तरह से व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, भारत का हर व्यक्ति इस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रख सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको खुशी से रहना है, प्रसन्नता से रहना है, कॉन्फिडेंट से रहना है, ज़िंदगी में आपको जोश और जुनून बरकरार रखना है, तो कंपलसरी आपकी ज़िंदगी में कोई मिशन होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और अपने हर ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति हमेशा के लिए पॉजिटिव रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और कॉन्फिडेंट रहे। इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट में बताइए, और आप हमसे कैसी वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम आने वाले समय में आपको इस पर वीडियो दे सकें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे।